हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मोहम्मद शेख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की बरवक्त नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस किताबचा में एक फोटोग्राफ्स दी हुई हैं काबे के बारे में, वो आप पहले सफ़े पे लगा हुआ है, खोल लें ज़रा प्लीज़। यानी आयात को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी का मकसद जो मक्का में, सऊदी अरब में मक्का में एक जो काबा है जिसे हम बैत कहते हैं, अल्लाह का बैतुल हराम या मस्जिद हराम, ये जो काबा आप देख रहे हैं, इसका जो ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ्स हैं उस काबे के। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा सा इसमें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि आम तौर पर लोग समझते हैं कि काबा जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये आप लोग आमतौर पे ये मुरवजा मशहूर किया हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। हम आयात में देखेंगे ये किसने बनाया और कैसे है, ये तो कुरान की आयत में आएगा जब देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर आप जाएँ, जो लोग हजरात गए हैं उन्होंने अगर काबे को टच किया या फील किया उसके टेक्स्चर को, तो वो इंसान की बनाई हुई दीवार नहीं है। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है, ये पहाड़ की तरह, पहाड़ जो जमीन से निकलता है, जमीन से जो पहाड़ निकलता है, इस तरह ये निकला हुआ है। और इसके ऊपर सुनहरी ऊपर से स्ट्रिप्स लगाई हुई है वहां पर ईंट की शक्ल देने के लिए। वो ईंटें नहीं है, जैसे कि आप देखें अभी काबा बना हुआ है, अगर गौर से देखें तो ये ईंटें नहीं है, ये जो दीवार है ये जमीन से पहाड़ का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह का ये जमीन से निकला हुआ है, ये तकरीबन जो ऊपर तक गया हुआ है ये। और ये जो आपको पीले पीले ईंटें नजर आई, ये ईंटें नहीं है, ये वहां पर गोल्डन स्ट्राइप्स लगा रखी है, पट्टियां लगा रखी हैं, जैसे ये पट्टी लगी हुई है सामने इसके ऊपर। तो जो हजरात गए वो इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि आमतौर पर समझा जाता है कि ईंटों का बना हुआ है, बाहर से वीडियो तस्वीर से लगता है, लेकिन एग्जैक्टली आप वहां जाके हाथ ला के देखें तो वो काबा जो है पहाड़, उसको हाथ भी लाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा ये दीवार है, वो लगेगा जैसे पहाड़ को आप हाथ लगा रहे हैं, पत्थर को हाथ लगा रहे हैं। तो जमीन से पूरा का पूरा निकला हुआ है ऊपर तक। सिर्फ ये देखिए इसके अंदर की तरफ देखिए, तीन उन्होंने वुडन ऐसे वो बनाए हैं, क्या कहना चाहिए, पोल्स हैं जिसके ऊपर एक लकड़ी की छत है। इंसान ने इसके अंदर तीन ऐसे पोल्स बना के ऊपर लकड़ी की एक छत बनाई हुई है और सोने का दरवाजा लगाया हुआ है उसके अंदर। उस पूरे बाकी उस पूरे हिस्से को पहाड़ का जमीन से ही उठा हुआ है, वो भी पहाड़ है। और ये जो तकरीबन 7.5 फीट के, यानी 7.5 फीट हाइट के बाद, जैसे ये हाइट है मेरी, इसके बाद उसका बेस आता है दरवाजे का और फिर उसके ऊपर दरवाजा है 7.5 फीट जमीन से ऊपर, ऐसे 7.5 फीट इसके ऊपर बेस है दरवाजे का, उसके ऊपर दरवाजा है, वो सोने का दरवाजा लगा हुआ है। तो उन्होंने पहाड़ को कार करके उसके अंदर दरवाजा लगाया इंसान ने, और उस काबे के ऊपर जो छत है लकड़ी की जो बनी हुई है और तीन पोल्स जो खड़े किए हुए, ये इंसान ने बनाए। बाकी पूरा टेक्सचर जो है वो काबा जो है वो पूरा का पूरा टेक्सचर जो है वो इंसान का नहीं बना हुआ है। वो आयात जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा कि वो अल्लाह ने बनाया है, कैसे बनाया, लेकिन वो टेक्सचर पूरा पहाड़ है, पहाड़ से पहाड़ है वो। सूरह मईदा 5 उसकी 97 आयत, जालल्लाहु अल-काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास वश्शारल हराम वल्हदिया वल्कलाइद। अल्लाह ने काबा को मोहतरम घर, मोहतरम महीना और हदिया तोहफा और हार बनाया लोगों के कायम के लिए। अब देखिए यहां अरबी में आया जालल्लाहु अल-काबतल बैतल हराम, जाला के माने होते बनाना, जालल्लाह अल्लाह ने बनाया काबा बैतल हराम। हमारे मार्शे में कौन बना रहा है काबे को जी, मार्शे में कौन बना रहा है, अल्लाह कैसे बना रहा है, अल्लाह कह रहा है जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम, अल्लाह ने बनाया काबा बैतल हराम घर मोहतरम, ये अल्लाह ने बनाया। और उसका मैं प्रूफ शुरू में दे चुका हूं, शुरू में जो पेपर पे आपको दिखा रहा था कि फिजिकल दीवार नहीं है, वो नीचे से पहाड़ है ऐसे निकला, उसकी ग्राइंडिंग की हुई है पहाड़ की। और मैंने आपको प्रूफ दिया कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को, जोग्राफी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को कोई इंसान नहीं कर सकता, वो
ये मैं पहले जो बता रहा था इसलिए कि अल्लाह ने बनाया ये, इंसान नहीं बनाया। और साइड देखे इक्वल नहीं है उसकी, बहुत मीटर्स में फर्क है। अगर कोई इंसान बनाएगा तो एग्जैक्ट, कुछ से पूछे रूम कितने कितने फिट का है, ये कहेंगे 12x24 फिट, यानी 12 फिट बाई 24 फिट या 24, एग्जैक्ट इक्वल साइज बनाएगा। और उसके अंदर हमने देखा कि हर चीज जो है वो अनयूजुअल है, यूनिक है, जो इंसान नहीं बना सकता। तो जिस तरह जमीन से एक कुब सा निकला हुआ होता है, कुब जिसे कह रहे हैं वो भी क्यूब ही कहते हैं उसको, वो जो निकला है कुब सा निकला होता है वही काबा है, तो अल्लाह ने बनाया। तो यहां हमें प्रूफ मिल रहा आयत से, सूरह मायदा याद रखे, पांचवी सूरत है उसकी 97 आयत में कहता है जअलल्लाहु काबतल बैतल हराम, अल्लाह ने बनाया काबे को बैतल हराम, काबे को बनाया मोहतरम घर, ये अल्लाह ने काबा उसका क्यूबिकल बना दिया बैतल हराम।